दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों रेलवे भर्ती 2018 के संदर्भ में बहुत बड़ी खबर आई है। जी दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत बड़ी अपडेट दी है। एलपी टेक्नीशियन के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। आप अपने एडमिट कार्ड RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी कि आपको अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ बहुत सारे छात्र हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों आपके इस कन्फ्यूजन का पूरा यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाला है, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखा दे रहा है इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना स्मार्ट व्यक्ति। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे भर्ती की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एडमिट कार्ड RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आना है गूगल पर और सर्च बॉक्स में टाइप करना है RRB और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने RRB की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, indianrailways.gov.in। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने RRB की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर आपको सभी बोर्ड की वेबसाइट दिखाई देगी। सभी बोर्ड यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जिस भी बोर्ड में आपने अप्लाई किया उस बोर्ड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि हम एग्जांपल के लिए अहमदाबाद क्लिक कर रहे हैं, तो दोस्तों अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, ई कॉल लेटर, परीक्षा शर्त तथा दिनांक की जानकारी, तो वह SC ST उम्मीदवारों हेतु यात्रा प्राधिकार के लिए लिंक। या दोस्तों इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी या दोस्तों, और लॉगिन करना पड़ेगा के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपनी पूरी एग्जाम इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि आपका परीक्षा सर क्या है, आपकी एग्ज़ाम कब होगी और किस शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो दोस्तों यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो प्रिंट के बटन पर क्लिक करके, और दोस्तों यहीं से आप अपना फ्री ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हो SC ST का। दोस्तों बहुत सारे ऐसे छात्र जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम आज से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये यहाँ पर दूर होने वाला है, क्योंकि जो RRB ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से जब आपकी एग्ज़ाम है उसके 4 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपकी एग्ज़ाम 20 अगस्त 2018 को है तो आप अपने एडमिट कार्ड 16 अगस्त 2018 को डाउनलोड करोगे। अगर आपकी एग्ज़ाम 31 अगस्त 2018 को है तो आप अपने एडमिट कार्ड 27 अगस्त 2018 को डाउनलोड करोगे। ये नहीं कि अगर आपके ऊपर 30 अगस्त 2018 को है तो आप 5 अगस्त 2018 को डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल अपडेट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके।